वेल तो फाइनली सीएम पंक एंड ड्रू मैकइंटायर का मैच हो चुका है समर स्लैम 2024 में। एंड सच बताऊं, ये मैच अब तक का समर स्लैम का सबसे बेस्ट मैच था, सबसे एनर्जेटिक मैच था। एंड दोनों सुपरस्टार की एंट्रेंस भी काफी चिल देने वाली थी। एंड दोस्तों, मैच के स्टार्ट में दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। सेथ रोलिंस यहां पर गेस्ट रेफरी के तौर पर काफी ज्यादा अच्छा काम करते हैं। दोस्तों, मैच के एंड में जो एजेली एंड लेरी वाला ब्रेसलेट था वो यहां पर सेथ रोलिंस अपने हाथों में पहनकर रखते हैं। एंड सीएम पंक जीटीएस लगाने वाले थे मैकइंटायर को, लेकिन उन्हें वो ब्रेसलेट दिख जाता है, जिसके बाद सीएम पंक सेथ रोलिंस के साथ बहस करते हैं कि तुमने ये ब्रेसलेट कैसे पहना। तो भाई सेथ रोलिंस भी उन्हें सुना देते हैं कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा शो है, ये मेरा WWE है, तुम्हें यहां पर किसने बुलाया, तुम्हारी यहां पर जरूरत नहीं है। एंड उन्हें एसोल बोलते हैं कि तुम अपने टारगेट मैकइंटायर पर फोकस करो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि मैं। जिसके बाद सीएम पंक सेथ रोलिंस को जीटीएस लगा देते हैं। एंड दोस्तों, फिर मैकइंटायर मौके का फायदा उठाकर लो ब्लो लगाते हैं सीएम पंक को, एंड फिर उन्हें अपना क्लेमोर लगाकर पिन करते हैं। सेथ रोलिंस यहां पर पिन कर लेते हैं एंड ड्रू मैकइंटायर की जीत होती है। सीएम पंक को ड्रू मैकइंटायर ने हरा दिया है। तो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? एंड जो हमने प्रेडिक्शन करी थी कि ड्रू मैकइंटायर है वो जीतने वाली है समर स्लैम में, वो यहां पर सही साबित हुई है। तो आपका इसके ऊपर क्या थॉट है कॉमेंट करके बता दो। वीडियो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।